घर तक पानी नहीं गया? नहीं। पानी कहाँ गया? पानी अब कहाँ गया तो हम जानबो। पाइप गया है? अब पाइप तो होता पानी नहीं गिरता। नहीं। एक एक करके बोलिए, हम भी कंफ्यूज हो गए, घर तक जाएं। आइए देख ही लेते हैं घर की क्या दुर्दशा है और क्या घर तक जाने पर पानी निकलेगा। नहीं नहीं, लकड़ी मत निकालो, कभी आ जाएगा पानी तो क्या करोगे? सवाल नहीं पैदा लेता है, सवाल नहीं पैदा लेता है। साइकिल से ढो ढो कर लाते हैं पानी। वोट बेल दवाई ले दो तो पानी भी मरी जी भाई। कहाँ से ला रहे हो भाई? नीतीश कुमार अपने अलग चुनाव लड़ के हमको दिखा दे कि जमानत उसका जब्त तो हो जाएगा। लालू ही रोजगार दिया था, नीतीश कुमार छीन लिया है। तू 200 रुपया दे लेते हैं? 200 रुपया दी है? 200 रुपया काहे लिए? आए कि भाई पानी देते है, रसीद काट लेते है। नमस्कार, आदाब, राम राम, सलाम। क्या नीतीश कुमार ने कर दिया अपना काम? आइए रिपोर्ट कार्ड जरा सरकार का भी हम दिखाते हैं। आए काका की पानी नहीं जाए छे, पानी देते नहीं खान ना, लेकिन कहा तेरे नीतीश जी के पानी पहुंचा देनी। बाकी पानी पहुंचाते नहीं तो पीबे की ना समझ। तो पानी तो है वो ने करे छे तनियो को खाली दद्दा दला छे, बस हो गेलो छे। घर तक पानी नहीं गया? नहीं। पानी कहाँ गया? पानी अब कहाँ गया तो हम जानबो। पाइप गया है? हां पाइप तो होता पानी नहीं गिरता। नहीं, पतला दे दिया है उस पाइप से, सबको एक्सेस नहीं होता है। हाँ। उसी दिक्कत से पानी नहीं चढ़ता है, पानी दे दिया है मेन में पतला। जब पाइप पहुंच गया घर तक तो पानी कहाँ नहीं पहुंच रहा, कहाँ गए वो जो पानी चलाने वाले थे? पाइप दिया गया है सर, जो चलिए जाके देखिए अभी तक टोटी भी नहीं जोड़ा हुआ। चलिए घर तक चले, क्या होते घूमिए ना, टोला घूमिए ना, ये घर चलो घर। एक एक करके बोलिए, हम भी कंफ्यूज हो गए, घर तक जाएं। चलिए फिर सभी लोग चलिए, आइए देख ही लेते हैं घर की क्या दुर्दशा है और क्या घर तक जाने पर पानी निकलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अभी डेही में जाना पड़ता है पानी लाने, या फिर पानी की समस्याओं से जूझ रही जनता नीतीश कुमार के कार्य से कितना खुश है। काका कैसे हैं आप? तबीयत ठीक रहती है आपकी? ठीक रहती है? चलिए निरोग रहिए, तंदुरुस्त रहिए काका। आइए तब तक पानी का हम लोग देख लेते हैं कितनी बीमारी है पानी को लेकर के। नीतीश सरकार ये दावे करती है, देखिए ये हमारे पीछे पूरी पब्लिक लग गई कि भाई चलिए पानी का देख लीजिए जर जुगाड़। और अब मोहल्ले में देख रहे हैं ये तमाम जो लोग हैं, ये हमें ये सच्चाई दिखाने जा रहे हैं कि घर तक पानी पहुंचता है या नहीं। अब ये पानी नहीं आता है, कैसे आएगा? सब कागज पर हवा हवाई में, सब में पानी नहीं आता। ये कौन पाइप है? यही जो पाइप उठाया है, यही सब उठाइए जरा, कुछ नहीं है। ये पाइप किसने लगाया? ये जो लगा है मिस्त्री जो लगाया है, तो इसमें पानी गिरवे नहीं करता है, नहीं सुबह नहीं शाम को। किस काका ठेकेदार ने लगाया है? ठेकेदार लगाया और तो कौन लगाया? ये तो लगाने का ये बात ही नहीं था, ये सरकार में ये पाइप ही नहीं लगा। जून लगाया मैं, अपना लगाया, उससे पानी नहीं गिरा ना, तो ये लगाया। अच्छा उससे नहीं गिरा तब? हाँ ये लगाया, लेकिन तैयो नहीं गिरा, तब फिर भी नहीं पानी गिर रहा है। ये लगाने और भी आगे दिखाते हैं, ये है नल जल योजना, ये देखिए ये पाइप का जाल है, 2 2 4 1 5 बड़ा शुभ अंक है 5 का। और ये तमाम जो लोग हैं हमारे साथ अभी चल रहे हैं पाइप दिखाने कि पाइप तो घरों तक पहुंच गया है, पाइप में नीतीश जी ने खर्चा जरूर कर दिया है, लेकिन पानी घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? पानी कहाँ रह गया? अब इस खोज में हमको निकलना पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आता कि हम सम्प हाउस ऑपरेटर ही बन जाए। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये जरा उठाना बाबू, इसे नहीं नहीं लकड़ी मत निकालो, कभी आ जाएगा पानी तो क्या करोगे? सवाल नहीं पैदा लेता है, सवाल नहीं पैदा लेता है। उसमें लकड़ी डाल के बंद किए हैं? नहीं कुछ नहीं बंद किया है, कुछ नहीं तो बंद कर दिया, कुछ डालने दे बच्चा बुतरू। पानी आया था इसमें पहला दिन आया, जब उसको उधर भी बंद था, इधर भी बंद था, तब सर पानी आया इसमें, फिर चारों ओर बंद था, चारों तरफ, तब जब सर पानी आया उसके बाद फिर नहीं आने लगा, उसी दिन लकड़ी डाला सर, फिर नहीं आने लगा, फिर भी पानी नहीं। शाम में भी आया सर, शाम आया सर, लेकिन थोड़ा पानी है, एक बाल्टी भरे लेकिन पानी नहीं भरे, पानी नहीं भर पाए, एक बाल्टी मात्र। ये यहाँ से अच्छा 2 पाइप, अच्छा 5 वहाँ से आया, बाद बाकी घरों में घुस गया, पानी गया ही नहीं।
अब देखिए यहाँ पर पाइप टूट गया है, इन लोगों ने खुद ही मरम्मत किया है, अपने से खुद किया। ये खुद ही मरम्मत किए हैं लोग, और यहाँ पर कोई देखरेख करने वाला नहीं है, जबकि इसके लिए स्पेशल से फंड आता है, अलग से मरम्मत का फंड अलग से आता है। पैसे कहाँ जाता है, पानी लेकर नहीं आ पाता है, ये तो समझ से बाहर चला जाता है। और देखिए टोटी कहाँ है इसका, इसका टोटी नहीं लगा है सर, ऐसे भी टोटी दिया ही नहीं है, दिया था सर लेकिन हमने लगाया, जब इसे में पानी नहीं आया था सर, टोटिया क्या होगा, टोटी वापस हो गया, पानी आता है तो टोटी लगा के क्या करेगा, पानी ही नहीं आता है तो टोटी लगाने से क्या फायदा। फिर तो आप लोग उसको एक मौका दे दिए ना कि आप तो तोड़ दिए हैं इसे, मौका क्या देंगे, पानी ना पानी आईबे नहीं करता है तो क्या करेंगे, मौका हम खराब करके क्या करेंगे, पानी आएगा तभी टोटिया लगा रहे हैं, पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है भाई। ये दोनों तरफ का जो है ये देख सकते हैं, ये दोनों तरफ का जो है ये ऐसे ही नल पड़ा हुआ है, खड्डा करने के बाद पानी नहीं आता है, चलिए आगे दिखाते हैं। कोई मोटर लगा देता है किसको पानी नहीं आता है तो मैं वही टोटिया तोड़ दिया सर, पानी खोजते खोजते टोटिया नोच दिया, पानी खोजने में पानी खोजने में टोटिया नोच दिया, अब हम क्या करें भाई, पानी आइए नहीं रहा है, टोटी सोचा निकाल के देखेंगे तो पानी दिख जाएगा, नीतीश जी पानी दिखा ही नहीं, अब नहीं दिखा तो अब तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है भाई, भ्रष्टाचार के जो मसले उठे हैं, जो वो धुआं कहाँ तक जाएगा ये आप खुद सोचिए। और अब गांव की गलियों में हैं, और गांव की गलियों में हैं तो समझ लीजिए कि अब ये रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार का पूरी जनता तक पहुंचा के रहेंगे। आखिरकार नीतीश गरीब का बैठने का सीट दिया, लेकिन नीतीश जो है ना वो सीट को छीन रहा है, छीन रहा है, अरे पानी तो पहुँचाए, जी हाँ हाँ चलिए देखिए पाइप बना, साइकिल से ढो ढो के लाते हैं पानी, साइकिल से हाँ, उनको तनख्वाह दुनिया भर मिलता है, खिचड़ी बाड़ी जब बनाता है कुछ नहीं मिलता है, ये पानी रखने के लिए दीजिएगा खिचड़ी बाड़ी को, नौ लीटर खर्चा है, ये डिब्बा डिब्बी पानी रखने के लिए है, हाँ। और इधर अब पानी, अब टोटिया नोच दिए हों, बना हुआ है पानी नहीं आता है, वो भी टंगा हुआ है कहीं टोटी नहीं लगा, इसको इतना ऊपर उठा दीजिएगा देगा पानी, अभी नहीं तो धार देते हैं ऐसे, लेकिन पानी नहीं आता तो क्या करें, क्या करे बेचारे, पानी की चाह में, हाँ पानी आता तो पाइप कैसे बंधा रहता, ये क्यों बंधा हुआ जानते हैं कि पानी कभी अचानक आ जाएगा तो बर्बाद ना, नहीं 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 पानी पानी नहीं आता है, आता ही नहीं, नहीं आता ही नहीं, गड्ढा किया, गड्ढा क्यों पानी के लिए, गड्ढा क्यों कि किसी तरफ पानी पिएगा, लेकिन उसमें पानी नहीं आता, ये खुद आए का गड्ढा में भी कदम गड्ढा में पानी ना आवे छत कना आते पानी कई आवे जिंदगी में लो पानी आवा की यहां, गड्ढा खोदने से पानी कैसे आ जाएगा, कले लिया करबे त आते पानी, गड्ढा रहेगा ना सर तो नीचे पानी आएगा, मतलब धूल के बर्तन में, हां हां पानी नहीं देगा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी इन लोगों का फेल हो गया है, देखो सरकार यही है वो आपका विकास का कार्य, जिसके बदौलत नीतीश कुमार पीठ थपथपा रहे हैं, एक बार फिर से उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को लेकर वोट मांगने इसी इलाके में आने वाले हैं, वोट मांगने आएंगे, खाली वोट बेल लेबो ना, वोट बेल तब आए ना, तो अपने पर्सनल ऐप से गाड़ी से बात कर रहे हैं, पानी भी मरेंगे भाई, वोट बेल, ये बच्चा अभी बोतल में पानी लेके आ रहा है, ये भी दशरथ मांझी से कम हाल नहीं है, दशरथ मांझी जैसे पहाड़ तोड़ दिए थे, पहाड़ लाने जैसे दशरथ तो में तर से बदतर है, जा पर पानी कितना छोटा बच्चा है, देखिए कितना छोटा बच्चा है, यार बड़ा बदहाल स्थिति में हम लोग घुस, देखिए वहां से कहां से पानी दूसरे जगह से ला रहा है, कहां से ला रहे हो भाई, बताओ कहाँ से ला रहे हो, बोल बोल बेचारा बोतल लेके खुदे जाता इलबा कहतर लो, बोल बोल कहाँ से बोलो, बोतल तो कौन जाना ले लो, ये हालात है, हाँ अच्छा एक बात बताओ लो, नीतीश कुमार बोलते हैं कि उनका वोट बैंक जो है साइलेंट वोटर है, आप ही लोगों को सुनिए जरा सा, नीतीश कुमार अपने अलग चुनाव लड़ के हमको दिखा दे कि जमानत उसका जब्त हो जाएगा, वो तो कहीं से चुनावे नहीं लड़ते हैं,
नहीं अलग कहीं खेमा अपना हम एमएलए एनडीए से अलग होकर के गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़के हमको दिखा दे, हम पासी समाज का बोल रहा हूँ गठबंधन में ही चल लालू बढ़िया से ले जलगा हमरा के गाछ वो फ्री कर लके। हां सही बात, फ्री कर दिया गाछ, फ्री ताली लगाते हैं पासी हैं, गाछ पर देखे कितना लोग गाछ अच्छा इनकम होता है वहां से, रोजगार दे दिया की कर लालू ही रोजगार दिया था, नीतीश कुमार छीन लिया है। अच्छा। इसके ऊपर तारी जैसे हम लोग उतना 50 हाथ ऊपर से चढ़ते हैं, अब पुलिस वाला आता है उल्टा देता है, उसको पैसा दे दो और रख लेता है। महिलाओं से सवाल है, नीतीश जी कहते हैं कि हम महिला ही वोट देती है। भूख लग गई दादी के, अब हम क्या करें, नीतीश जी तो कहते हैं कि महिलाओं हमको महिलाएं हमको वोट करती हैं, उसी से जीतते हैं। पानी घरों में मिले नहीं, खाली कहाँ आनते बताबो पानी, कहाँ से आनते, रोड पर से आने जीते लोग मरीज अखने जीता बस सब अपना अपना कर ले मने जीता मोटा बो समझावे बोला समझा छियो आ कि अपनो पेट भरी रह छे इन्ना भाग कोई हरिजन रहे कि कोई रहे मारे कि बचे। वोट देने के टाइम सवाल क्यों नहीं करती हैं, वोट नहीं दै छे त जीतै छे केना, जीतै छे केना जने वोट मा दे, वोट नहीं दै छे जीतै छे केना, कतिर में जीतै को सब जीतिया जेते, हां एक को सब जीतिया जेते बस नहीं का हौ कि काल मा छे एक साल हो गया खराब और ठीक नहीं होता सरकारी कल है। आइए सरकारी कल का ड्रामा आपको समझाते हैं कि सरकारी कल है तो कैसा है और क्या होने वाला है। का छुटकी का हाल है सर, ये कल खराब है, हाँ है तो सरकारी है, हटिए तो ये सरकारी कल है और जब से नल जल योजना आया तब से बिहार सरकार ने इस प्रकार के कल ही देना बंद कर दिया है और अब इसके रख रखाव पर भी बिहार सरकार खर्च नहीं करती है। एक तरफ कल नहीं दे रही है, खराब पड़े कलों को चालू नहीं करवा रही है और दूसरी तरफ नल जल योजना के तहत घरों तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। बड़ी बदहाल स्थिति है गांवों की और ये एक पानी बिनु लोग मरी रहलो छे, पानी जे आए रहे पानी बंद हो गेलो छे एकदम जाए के मेहनत करके जिले में के बाद वोट तो देने जाइएगा ना, वोट देने जरूर जाइए ना, पानी दीजिए तब तो वोट देने, नीतीश को वोट देने आप किसको दीजिए ये हम नहीं कर रहे, मतदान का प्रयोग जरूर करिए। ₹200 दी है काहे लिए, कि पाइप पानी देते रसीद काट ले छे, अच्छा पाइप डालने खातिर ₹200 भर सक। नीतीश जी धनी मनी हो गए बने, मास्टर को तनखा नीतीश कुमार बन रहा, खिचड़ी बारी क्यों नहीं बनता है, मास्टर का अलग काम है, मास्टर का अलग काम है, ये स्कूल में शिक्षा का वही हाल, अस्पताल में वही हाल और गांव की गलियों में भी वही हाल। बदहाल स्थिति में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पीठ थपथपाते हैं, विकास पुरुष कहला जाते हैं, वो बात अलग है कि लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। उससे पहले ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के ऊपर आरोप लग जाता है नल जल योजना में भ्रष्टाचार का। ऐसे कई संगीन जुर्म और कई संगीन घोटाले, कई संगीन आरोप और कई संगीन भ्रष्टाचार बिहार में कई नेता मंत्रियों के ऊपर लगते रहे हैं। कभी कोई बदहाल स्थिति को सुधार पाने में सक्षम हुआ हो तो वो कहना बड़ा मुश्किल होगा। कहानी है, दिलचस्प है, देखिए आप भी और अपने गांवों का आप भी रिपोर्ट हमारे को बताइए। अगर हमें लगे या फिर हमारी नज़र आपके कमेंट पर पड़ेगी तो हम आपकी गांवों का हाल चाल दिखाने भी आएंगे, इसी तरह गांव की गलियों में घूमेंगे और नल जल योजना को लेकर हम दिखाएंगे सच्चाई रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार को कि आखिरकार नल जल योजना में बिहार सरकार कितना मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। काका का एक सवाल यही हमारा है सर, जो मैंने पाइप दिया है, पाइप दिया है 2 इंची पतला, इसी कारण से किसी को पानी नहीं जुटता है। इसमें 5 इंची मोटा पाइप चाहिए मेन रोड में, 5 इंच मेन यही है, मेन यही बात है। अच्छा जो पानी टंकी है वो कितना ऊंचा बना है, वो तो बहुत ऊंचा ऊंचा बना है, चलिए वहाँ तो ठीक है, चलिए वो तो सही सही बना है सर। यही जो
मेन पाइप सड़क पर दिया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जब वोट मांगने आएंगे तो शायद इनके घरों तक पानी पहुंचाने के दावे ना करके पहुंचा कर चले जाए। हमारी उम्मीद यही रहेगी, नेताओं से जब भी हमारी मुलाकात होगी इन मुद्दों पर जरूर चर्चा होगा, और चर्चा इस बात को लेकर के भी कि यह पंचायत का क्षेत्र जो आता है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, घनी आबादी है, ग्रामीण इलाका आता है, और ऐसे में वोट बैंक की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प ग्रामीण इलाकों में होती है। बिहार है और बिहार में बताइए ना सर। पंचायत कर्मी, मेरा नाम शेख हदीस है। पंचायत कर्मी है, मैं मकवा पंचायत से हूँ। और किस मौजूद पे बात करूं आप पहले बताइए हमको। नहीं, नहीं, नीतीश कुमार के विकास पर, क्या घर तक पानी पहुंच गया? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पाइप भी नहीं बिछा गया, पर मकवा पंचायत में गांव बनगावा है। स्कूलों में शिक्षा पर्याप्त मात्रा में मिलती है? क्या शिक्षा, पढ़ाई? हाँ शिक्षा मिलती है। अस्पताल में इलाज हो जाता है? नहीं नहीं, वो है नहीं, सामान नहीं, वहाँ इन्हीं सब चीजों की जरूरत है ना जनता को। जनता को क्या चाहिए? मेडिसिन नहीं होता, लिख देता है डॉक्टर। लाल बत्ती वाली कार चाहिए नहीं जी। हाँ, दवा को तो नहीं है, बेड नहीं है, बीमार पड़ता है तो उसको भागलपुर रेफर कर देता है, उसके लिए इलाज में अच्छे डॉक्टर नहीं है। असरगंज जो हम लोग हॉस्पिटल है वहाँ लेडीज कोई डॉक्टर नहीं, आज तक नहीं आई है, और डॉक्टर ही नहीं आई, नहीं आई है बिल्कुल असरगंज में। असरगंज में और जो भी परस होती है उन लोगों को जो भागलपुर जाना पड़ता है। इतना विकट परिस्थिति में जीने के बावजूद भी बिहार सरकार कहती है कि हमने विकास के काम कर दिए। अगर कर दिए तो यहाँ से लगातार मेवालाल चौधरी की जो पत्नी थी वो 2010 में चुनाव जीती, 2015 में मेवालाल चौधरी खुद एक दिगंत नेता आज हो गए हैं भले ही, लेकिन 2015 में चुनाव जीते, 2020 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की, इसके बावजूद भी इतना पिछड़ा हुआ इलाका आखिर क्यों? क्यों यहाँ पर लोगों की रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की इतनी कमी रह गई है? दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में, अगले गांव में चलकर कि वहां की क्या स्थिति है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।